एक फैमिली है जो सबको सपोर्ट करते हैं, वेदर यू आर ए गोल्ड मेंबर और यू आर ए कोच, आप चाहे कोच है चाहे गोल्ड मेंबर है, हम लोगों को एक दूसरे का मोटिवेशन बढ़ाना है अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए। डन करेंगे, करके दिखाओ क्लैपिंग जोरदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। क्लब शुरू होता है 6:30 आपको रेडी रहना चाहिए। नंबर टू, लास्ट तक आपको बने रहना चाहिए। सुबह और शाम का अगर आप एक घंटा अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल रहे हैं तो आप फिट कैसे होंगे। रिजल्ट राउंड शुरू करते हैं, कुछ नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, फटाफट से मैं उनके नाम अनाउंस करूंगा, आप लोगों ने आना है, अपना रिजल्ट चेक करना है। यस, शेर सिंह जी, शेर सिंह जी एडमिट करेंगे और आपका रिजल्ट चेक करेंगे। यस शेर सिंह जी, एडमिट कीजिए प्लीज। यस सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग शेर सिंह जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। गुड, बताइए सर, क्या रिजल्ट चल रहा है आपका? सर मेरे को ज्वाइन किए 1.5 महीना हो गया। वेरी गुड। 4 किलो वेट लॉस किया है। बहुत बढ़िया। इंचेज भी कम होगी। इंचेज भी कम होगी, फेस पे भी काफी चेंज दिख रहा है आपके। गुड गुड गुड। एनर्जी वगैरह कैसा है? शरीर फिट रहता है। फिट रहता है। आपकी एज कितनी है? एज 51 है सर। 51 आपकी एज है, तो आपको क्या फील हो रहा है? 51 में हम अपनी फिटनेस को लूज कर रहे थे, आप मतलब कहीं ना कहीं तो लग रहा था कि यार फिटनेस खराब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। पहले शुगर था मेरा, तो कल ही चेक करवाए, वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बात है, बिना गारंटी के शुगर भी नॉर्मल आ गया ना, क्या बात है। कितना शुगर था आपको? शुगर था 200 से ऊपर ही रहता था, कल चेक करवाया 156 रहा मैक्सिमम। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, बहुत बढ़िया, सुंदर से क्लैपिंग करो। देख रहे हो, केवल फैट बॉडी से निकल रहे हैं तो शुगर भी नॉर्मल आ रही है। डिस्क्लेमर पहले दे दूं, शुगर, बीपी, थायराइड, जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, बाल झड़ना, स्किन खराब होना, हम किसी की गारंटी नहीं करते। ये आपका फैट है जो आपको बीमार रखता है, और जब आप अपने फैट को नॉर्मल रेंज में लेके आते हैं तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली जाती हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, सुंदर से क्लैपिंग शेर सिंह जी आपके लिए और आपके कोच के लिए, क्योंकि वो ना होते तो आप यहाँ ना होते और ये शुगर की। सभी कोचेज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी करती है सर। अच्छा, वेरी गुड। मैडम का क्या रिजल्ट है? उनका भी 2 किलो वेट लॉस हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया सर। पूरी फैमिली को फिट करना है शेर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी आपकी कम्युनिटी में है, जिनको भी आप जानते हैं, देखो आपको एक यहाँ से डायमंड मिल गया आपकी सेहत का, ठीक है। तो अपने पास तक नहीं रखना, आपको को स्प्रेड करना है, इसकी चमक सबको दिखानी है आपको, ताकि उन लोगों की लाइफ में भी वो बदलाव आ जाए जो आपकी लाइफ में है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो आप ओवरवेट भी होते और शुगर भी होता, मानते हैं? हाँ जी। आपने केवल यहाँ के जेपी गुप्ता जी की बात मानी और आगे अपना यही खुशी जो गुप्ता जी ने आपको दी, यही खुशी आपको लोगों में बांटनी है। ठीक सर, राइट, वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शेर सिंह जी के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट, फैंटास्टिक, अमेजिंग। सुमित्रा जी एडमिट करेंगे। नमस्ते सर। सुमित्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप ठीक हो सर? मैं बढ़िया हूँ एकदम। मुझसे बहुत कम लोग पूछते हैं, आपने पूछा, मुझे खुशी हुई। बताइए मैडम। ठीक है सर, एकदम बढ़िया। क्या क्या बोल रही हैं? 7 kg कम हुआ सर, और सूजन आती थी पहले हाथों में, वो भी कम है, अब नहीं आती, जैसे पहले चलती थी थकावट भी होती थी, वो कम है। ओके। और छोटी छोटी जो परेशानी होती है, जैसे घुटने में दर्द है, अब एक घुटने में दर्द रहता, वैसे तो ठीक हो रहा है, तो उसका लगभग पहले से कुछ आराम है। हाँ जी, पहले से कुछ आराम भी है, बॉडी भी हल्की लगती है पहले से। 7 किलो वजन कम किया है। आज ही आप अपना ये टारगेट बनाओ कि मैं 7 लोगों की मदद करूंगी। ठीक है, ठीक है, आए जाए फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे को, जिसको हम अच्छे लगेंगे वो हमारे पास आएगा, जिसको हम खराब लगेंगे क्यों आएंगे, है ना। और जिसको करना होगा ना, जिसको अपनी सेहत ठीक करनी होगी, उसको हम खराब भी लगेंगे तो भी आएगा, राइट। तो आपको अगले कुछ दिनों में 7 लोगों की जरूर मदद करनी है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे। सुमित्रा जी, अनीता जी के लिए थैंक यू, चलो कृष्ण यादव के पास चलते हैं। कृष्ण यादव ने हैंड रेस भी किया था। हाँ जी कृष्ण जी, एडमिट करिए। यस कृष्ण, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसा रिजल्ट चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है सर, 1.5 महीना हो गए, 14 दिन हो गए।
14 दिन हो गए हैं, कितना किलो वजन कम हो गया है? डेढ़। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक। पहले से एनर्जी कैसी है? अच्छी, अब तो अब अलगस कम आता है। अलगस कम आता है, पहले ज्यादा आता था? यस सर। तो आपके लिए एक मैसेज, आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, पढ़ा था ना हमने बचपन में? यस सर। आपका दुश्मन आपसे दूर जा रहा है? यस सर। ये अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है सर। अच्छी बात है ना। तो अपना टारगेट लो, आपको हर वीक में, हर हफ्ते में कम से कम 2 kg का टारगेट लेना कि हर हफ्ते में 2 kg वेट लॉस करूं। इस टारगेट को पकड़ के चलो, आपकी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपके कोच बोल रहे हैं, बिना आनाकानी के, बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कोई नमक मिर्ची मसाला लगाए, जो कोच बोलता है वो करते जाओ, अपने आप आपका सुंदर झंडा जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया, सुंदर से क्लैपिंग करेंगे कृष्ण यादव के लिए। फैंटास्टिक, 1.5 किलो वजन कम कर चुके हैं अपना 14 डेज में। चलिए कुछ और नाम मेरे पास है, चौधरी, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या रिजल्ट है उनका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। हाँ जी मैम। सर मेरा नाम सीमा है, मैं मुरादनगर से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। और मैं अपने मोटापे के लिए और शुगर के लिए आई थी जी। सर वेट तो मैंने किया नहीं, अब 3 किलो किया था, जब 3 किलो घटा था। कितने दिन पहले किया था आपने? सर हो गए 15 दिन पहले। 15 दिन पहले आपने 3 किलो कम कर लिया था। अभी उसके बाद आपके शरीर में कैसा लग रहा है, हैवी या हल्का? हल्कापन महसूस हो रहा है सर। हल्का लग रहा है, ओके। तो आपने क्या करना, आपने हर हफ्ते एक दिन फिक्स कर दो, उस दिन सुबह खाली पेट अपना वजन चेक करना है बिना किसी नागा के। ठीक है, नॉर्मल है, 140 था, अपने चेक करा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लोड आ गया है। तो शुगर को नॉर्मल रखने के लिए वजन सही रखना बहुत जरूरी है। वजन की वजह से बढ़ती, वजन आपका कम हो रहा है इसलिए आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है। ठीक है जी, 15 दिन हो गए शुगर चेक करवाए। पीरियडिकली चेकअप आपके शुगर के भी जरूरी है चेक होना, ताकि आपको पता रहे कि शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, शुगर में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, सारी चीज एडमिट करेंगे, आपका रिजल्ट शेयर करेंगे। हाँ जी सर। नमस्ते। नमस्ते जी। सर आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फैंटास्टिक। मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अब तो पहले से थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। ओके, क्या क्या तकलीफें थी आपको, क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है बताएं। तकलीफें तो ज्यादा नहीं थी, मेरे ना पैरों में बस स्वेलिंग आ जाती थी बहुत ज्यादा, मतलब 5 से 6 या 7 घंटे अगर मैं बैठ के कहीं आते थे पैर लगता थे तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती थी, तो वो तो नहीं आ रही है, सही है, स्वेलिंग बंद हो गई है। बहुत बढ़िया। और पहले से तो हल्का महसूस हो रहा है, पर मेरा भी मैंने वेट नहीं चेक किया है, आज मैं जाऊंगी मार्केट में तो अपना वेट भी चेक करके आऊंगी। वेट चेक करना बहुत जरूरी है, इससे पहले चेक किया आपने? कितना कम हो चुका था पहले? नहीं सर, मेरे को भी मतलब 20 से 25 दिन हो चुके हैं आए हुए, तो तभी सर हमारे घर पे आए थे तो उन्होंने चेक किया था, तभी मैं ज्वाइन हुई इस क्लब में। या हमारे कोचेज या न्यूट्रिशन किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता है। दूसरा, हर एक व्यक्ति के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई महीने में 2 किलो कर सकता है, कोई 5 किलो भी कर सकता है, कोई 7 किलो भी कर सकता है। हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग है, बॉडी अलग है, खान पान अलग है, जलवायु अलग है, रहन सहन अलग है, रिजल्ट उसके हिसाब से ही आपको मिलता है। हम एक गारंटी आपको करते हैं कि अगर आपने हमारी बात मानी तो रिजल्ट 100% आएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है, तो आपको केवल चीजों को फॉलो करना। एक बढ़िया सी क्लैपिंग सभी लोगों के लिए, नए मेहमानों के लिए एंड हमारे सभी लोगों के लिए जिनका रिजल्ट शेयर हुआ है। कुछ नाम मैंने और लिखे थे, उनके हम रिजल्ट शाम को लेंगे। ओके, तो प्लीज गेट रेडी, रैंडमली हम रिजल्ट लेते हैं, किसी का भी नाम अनाउंस हो सकता है, तो जब भी रिजल्ट राउंड शुरू हो तो आपको प्रॉपरली यहाँ होना जरूरी। अभी हम चलते हैं आज के बढ़िया से टॉपिक की तरफ। व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक क्या है थोड़ा समझा दूं आपको। चीजों को सीख के करना आसान हो जाता है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए हम आपको रोजाना छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, है ना। लेकिन जब टॉपिक होता है तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जब भी आपको कोई हेल्थ टॉपिक मिले, रोजाना सुबह शाम अलग अलग तरह का टॉपिक होता है, आपको मेंटली यहाँ प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज सीखोगे ना उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे, और अगर आप उस टाइम वहां नहीं हो तो उस चीज को सीखने से आप वो कहते ना एक बर्डन महरूम रह जाओगे। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन से महरूम रहे या आप इससे दूर जाओ। ओके, राइट, करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे। चलिए, तो आपके कोच को बुलाते हैं, वंडरफुल कोच है, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उनकी फैमिली का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, एक बढ़िया सी क्लैपिंग आप करेंगे तो फटाफट से मैं उनको स्पॉटलाइट कर दूंगा। ओवर टू जय मिथि। थैंक यू सो मच और सभी को नमस्ते। मेरा नाम आगरा से हूँ, करंट लोकेशन भिवानी राजस्थान, राइट।
आप लोगों की तरह ही लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब से कनेक्ट हुआ था। कुछ जर्नी ऐसी थी, सेहत को बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, समाधान कुछ मिल नहीं रहा था, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे। और डीएफटी में आपको बताऊं तो मैं काफी फिटनेस को लेकर के चैलेंज थे मेरे साथ में, बट मैं अपने को फिट मानता था, एक्सेप्ट नहीं करता था। और लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब में कनेक्ट हुआ था कार्तिक विदेकर की गोल मटोल मैडम बोली थी। तो शायद आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो कि खुद अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, बट अपने फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करते हुए उनके लिए आप कनेक्ट हुए होंगे। तो जितनी आपके फैमिली मेंबर की सेहत जरूरी है, उतनी ही आपकी सेहत भी जरूरी है। आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिस पर्सन को सेहत की जरूरत नहीं है। तो सेम मैडम ने लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब को ज्वाइन किया और आप लकी हैं, अपने घर पे रहते हुए इस क्लब को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बेडरूम में रहते हुए एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय 2 से 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। तो गुड न्यूज आपके लिए, शायद इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो सब अपने अपने लिए क्लैपिंग करो कि अपने घर पे रह करके आपको ये चांस मिल रहा है, अपने दरवाजे को बंद करके अपनी फिटनेस को ठीक करने का चांस मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ में जैसे ही मैडम की लाइफ में बदलाव आया, मैडम ने 3 मंथ में 9 kg वेट लॉस किया, उनको बहुत सारे मल्टीपल चैलेंज थे, फीमेल चैलेंज थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट ऑफ होना स्टार्ट हुए। लेकिन उनको जो चैलेंज थे उसका मैं रीजन क्या था, बढ़ता हुआ उनका वजन। हम लोग फोकस कहाँ कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर जो उनको चैलेंज थे उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। बट वो चैलेंज बढ़ क्यों रहे थे, उसका रीजन क्या था, उनका जो वेट बढ़ रहा था तो इसलिए उनको चैलेंज बढ़ रहे थे। लेकिन हमारा वेट के ऊपर कोई फोकस नहीं था, फोकस हमारा था चैलेंज के ऊपर, और चैलेंज को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस सिलसिले में लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब से कनेक्ट हुए, क्योंकि वेट लॉस करने के लिए इधर तो काफी ताप झांक की, नींबू पानी जीरा पानी जितने पड़ोसियों ने बताया कि कल लोगों करके देखा, बट समाधान नहीं मिला। और उन्होंने समाधान लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब से मिला, मैडम की लाइफ में मतलब आया। तो फिर मैंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं भी कुछ अनफिट हूं। अब इंडिया में कल्चर बहुत अच्छा है, जो पर्सन खाते पीते घर का मोटा ताजी हो जाता है ना, जिसकी सेहत खराब होती है उसको लोग क्या बोलते हैं, ये हेल्दी हो गया है। कितने लोगों ने सुना होगा, आपसे बोलते होंगे कि आप हेल्दी हो गए हो। माय फ्रेंड्स, आप हेल्दी नहीं हुए, आप अनहेल्दी हो गए हो। आपने फैट परसेंटेज अपना कम कर लिया, अपना फैट और वेट लॉस कर लिया, तो आप एक हेल्दी कंडीशन में जा रहे हो। उस कंडीशन पर लोग क्या कहते हैं, कुछ कमजोर होते जा रहे हो। तो लोगों के ऊपर नहीं जाना है, अपने को फोकस रखना अपनी फिटनेस के ऊपर, राइट। तो इसी तरीके से मैंने अभी लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब को फॉलो किया, और फॉलो करने के साथ साथ मैंने अपना 10 kg मसल्स मास गेन किया। जैसे मेरा 10 kg मसल्स मास गेन हुआ, उस समय पे मेरे को बहुत सारे जो मल्टीपल चैलेंज थे वो धीरे धीरे चैलेंज कर दिए। जैसे कि मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब रहता था, उसके साथ में स्किन बहुत ज्यादा खराब रहती थी, एनर्जी बहुत ज्यादा लो रहती थी। तो इन चीजों में बदलाव आना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे बदलाव आना स्टार्ट हुआ तो मैं और बेटर और बेटर और बेटर होता गया। और आज भी अपनी फिटनेस के ऊपर काम करता हूँ डेली बेसिस पे। कुछ लोगों को लगता होगा 5 से 10 kg 15 kg वेट लॉस कर लिया अब तो हो गया, फिटनेस परफेक्ट हो गई। लेकिन क्या वेट लॉस करना ही आपकी फिटनेस है? शायद नहीं। वेट लॉस अप या डाउन करना आपकी जर्नी है, ये भी हो सकता है। आपका जो आइडल वेट अचीव करने के लिए आपके कोच ने जो गोल दिया होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप काम कर रहे हैं, डे बाई डे फोकस रखे हुए हैं। बट फोकस रखने के साथ में आप आइडल वेट अचीव करोगे तो आपकी फिटनेस अचीव होगी। और उस फिटनेस के लिए ऐसा नहीं कि आपने आइडल वेट अचीव कर लिया तो फिटनेस हो गई, अब तो बस ब्रेक लगा देते हैं, कल से पराठा खा के सोना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए आज नहीं उस दिन तक काम करना है, जिस दिन तक हमारा जो लास्ट डे होगा ना इस दुनिया में, उस दिन तक अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना। क्योंकि फिटनेस का कोई एक मीनिंग नहीं होता कि आप अपनी फिटनेस को अचीव कर चुके हैं, राइट। तो इसी के साथ साथ मैं आज बात करूंगा मोटापा क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजन है। पर्सन बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मेरे दादा मोटे थे, मेरे परदादा मोटे थे, मेरी बाबी मोटी है, मैं भी मोटा हूंगा, तो एक माइंड सेटअप हो गया। कुछ लोगों के मन में आता है मेरे दादा ऐसे थे लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ। तो शायद आप में से भी कुछ पर्सन उसी रास्ते से निकले हुए हैं, कुछ पर्सन उस रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स ओवरवेट होंगे, ओवरवेट के चलते हुए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सफर करना पड़ा होगा, बहुत सारे चैलेंज को सफर करना पड़ा होगा। अब आप
जीवन में पहले से ही आ गया। अगर मेरे दादा परदादा को ऐसा प्रॉब्लम का जो चैलेंज था उसको सफल करना पड़ा था, मेरे को करना पड़ा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आएंगे कैसे? उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। डब्ल्यू आर के आप कितने लोग रेडी हैं अपने ऊपर वर्क करने के लिए, आपकी फिटनेस को चेंज करने के लिए? अभी तो सर 89 फैमिली है, उनमें से 89 की 89 फैमिली भी कंफ्यूज है, करना क्या है? दो लोगों ने एंट्रेस किया है। अब जैसे बोलते ना इंडिया में जो भीड़ कल्चर है, एक को देख करके एक एंट्रेस कर देता है। कुछ लोगों को तो अभी पूछो तो उनकी समझ में आया नहीं कि करना क्या है। राइट, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अगर आप इस कंडीशन पे भी लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब से कनेक्ट रहे तो 100% आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आना है जो आप सोचते हैं। राइट, तो इसी के साथ में जो आपकी लाइफ में मोटापा आने का रीजन कुछ लोगों के मन में आता है अनुमान से, जो कि आपका जनरेशन है। कुछ लोगों के मन में आता है उसके ऊपर लोग कम जाते हैं कि मैं बहुत सारी दवाइयां करूं तो वेट बढ़ता जा रहा है। बट वो जो दोनों रीजन है एक लिमिटेड है, उससे कई गुना आगे जो बढ़ के आपका खुद का अनहेल्दी खाना और आपकी खुद की अनहेल्दी लाइफ स्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत बड़ा रोल अदा क्यों करते हैं कि आपको चाहिए क्या खाने के लिए सुबह से शाम तक, आपकी फैमिली में क्या चाहिए। आज भी मैं कुछ लोगों से, ऐसे भी कुछ लोग होंगे शायद मिल जाएंगे, सॉरी एक मिनट यहाँ पे, कि जो लोग क्लास में तो आ रहे हैं अपनी फिटनेस को ठीक करने के लिए लेकिन अपने बच्चों को वही सब कुछ खिला रहे होंगे जो पहले आप खा रहे थे, जो पहले आप खा रहे थे वही सब कुछ आज अपने बच्चों को आप खिला रहे होंगे शायद, बट उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपकी जो फिटनेस में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है आपकी जीवन शैली और आपका अनहेल्दी खाना, अगर उसको आप करेक्ट कर लेते हैं तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो बहुत सारी आप मेडिसिन खा रहे हैं उससे आप परे हो सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं, और उससे के साथ साथ में आप उस प्रोसेस को भी ब्रेक लगा सकते हैं जो प्रोसेस आप बोलते आए हैं कि मेरे दादा परदादा और मेरी मदर्स ओवरवेट थी। तो वहां पर आकर के इस चीज को ब्रेक लगा सकते हैं। आपके हो सकता है पेरेंट्स ओवरवेट होंगे लेकिन आप एक आइडल वेट को अचीव करके और एक अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं? यस, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो लोग ये कौन सी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करें, सर अभी दिख गए हैं, राइट। और उसके साथ साथ में एक दो पर्सन का और मुझे लग रहा है कि उनको मुझे स्पोर्ट लाइक करना पड़ेगा, वो कौन सी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं उसके लिए एक मिनट का मैं आपसे टाइम लूंगा। जैसे कि अभी इनकी जो कोच है वो देख लीजिए, इनका सिर्फ और सिर्फ घड़ी है, वो ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहता है। प्रिया रानी राय जी किधर है? प्रियंका राय जी शायद वो फॉर्मेलिटी के लिए क्लास को तो ज्वाइन करके चले गए। मैम क्लास में रहने का है, अगर क्लास में नहीं रहोगे तो आप जिस तरीके की फिटनेस चाहते हैं शायद अचीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लास्ट आगे क्लेम क्या होगा, मेरे कोच ने प्रॉपर मेरे को गाइड नहीं किया, शायद लास्ट में एक ही आंसर आएगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अपना माइंड सेटअप ये हो जाता है। और होने वाला उस पर्सन का ये जो पर्सन अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी है, डब्ल्यू आर के करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए आप उस जनरेशन को ब्रेक लगा सकते हैं जो आपकी जनरेशन में चला आ रहा है कि मेरे आगे पेरेंट्स भी हेल्दी थे, उस पर्सन उस लेवल को आप ब्रेक लगा सकते हैं और आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने उसको ब्रेक लगा दिया तो आने वाली जो जनरेशन आपकी उसको ब्रेक लगाएगी 100%, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे करने वाले हैं। आप बोलोगे वैसा नहीं करेंगे, जैसा आप करते हुए दिखेंगे वैसा आपके बच्चे करते हुए दिखेंगे। उसके साथ साथ में इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है, रोल अदा करते हैं जंक फूड। अब किस किसके मन में आ रहा है कि सर ने बहुत दिन से कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तो थोड़ा सा ब्रेक लगाया हुआ है लेकिन आज मिल जाए तो आज तो पूरी की पूरी 2 लीटर की बोतल ही भर देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें। किसी भी खाने को लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब मना नहीं करता है, एक क्वांटिटी और क्वालिटी आपको सेट करनी है। क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर आप काम करेंगे तो आपकी फिटनेस 100% अचीव कर पाएंगे। अगर आप फिटनेस अचीव कर पाएंगे तो उसके लिए करना क्या क्या है, आपको किस किस पैरामीटर अपने लेवल में लेके आना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कुछ लेवल्स दी हुई हैं, हमारे बीच में से बहुत सारे एथलीट होते हैं, उनको मेल और फीमेल उनको फैट परसेंटेज के ऊपर काम करना चाहिए। अगर एथलीट होंगे तो उनका ऑलमोस्ट 12-13% तक मेल के लिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फीमेल के लिए ऑलमोस्ट, अगर बात करें
तो उनकी रेंज के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, राइट, 40 से 20 तक। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी फैमिली में सोचते रहते हैं कि उसका तो 35% है फैट परसेंटेज, मेरा तो अभी 28 है या 26 है, तो अपनी फैमिली को या पड़ोसी को ना देख करके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें, और जो आपका फैट परसेंटेज होना चाहिए उस आइडियल फैट परसेंटेज में आना चाहिए उसको अचीव करें, और अचीव करने के साथ साथ विसरल फैट रहता है, विसरल फैट को भी नॉर्मल रखने के लिए इसकी जो रेंज है वो 5 to 7 अगर रखते हैं तो सबसे बेहतर रेंज होती है। अगर उसके ऊपर गए तो भी भाई खतरा है, अगर उसके नीचे गए तो भी कुछ गड़बड़ है। तो जो 5 to 7 अगर आप 9% को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे अगर रियलिटी देखी जाए तो जो पर्सन मिनिमम 10 kg ऊपर वेट है तो आप 100% आपका जो विसरल फैट 10 से अबव है। अगर आप 10 kg ओवर वेट है तो अपने विसरल फैट के ऊपर भी फोकस करेंगे और वो फोकस आप आइडियल वेट को अचीव कर पाएंगे तो आपका विसरल फैट भी रेंज में आ पाएगा। और उसके साथ में आपका जो BMI, अब मैं जानना चाहूंगा जो BMI का, यहाँ पे जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो 18.5 से 24.9 का जो है उसका कलर ग्रीन क्यों है? कलर इसके लिए है कि आप एक रेंज में और उस समय पर आप किसी तरीके का कोई चैलेंज होने के चांस नहीं होंगे, एक परफेक्ट BMI को अचीव कर पाएंगे। और वो BMI को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जो रोल अदा करेगा लाइफस्टाइल फिटनेस क्लब, और उसके साथ साथ में आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। अब ऐसे कितने लोग हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ईट कर लें, ये बस वो करेंगे। अगर आप क्लब में जो भी शेयर किया जाता है अगर उसको फॉलो करेंगे तो 100% और इम्प्रूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको क्लब में ही या क्लब के आसपास ऑलमोस्ट आपका जो ब्रेकफास्ट है 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि आप क्लब ज्वाइन करते तो ऑलमोस्ट 6 बजे तो जगते ही होंगे, 6 बजे जगोगे तभी क्लब को 6:30 बजे ज्वाइन कर पाओगे। और हमारा एज पर साइंस जागने के 2 घंटे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए, तो एक सही टाइम है। अगर हम 6 बजे जगेंगे तो 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अगर 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट होता है तो 7:30 बजे क्लब खत्म होता है। तो ब्रेकफास्ट करने का सही समय कहाँ पे है? क्लब में। अकेले क्यों करते हो? सब लोगों के साथ में कर लो, आपके कोच को फोटो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कोच को पहले निकालो ऑनलाइन, भाई देखो मैं कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ में ब्रेकफास्ट करोगे तो आप उस परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। और एक बार हम सब लोग मिलकर के बोल सकते हैं क्या, आई लव हर्बल। कितने लोग बोल सकते हैं दिल से यहाँ पे हाथ रख करके आई लव हर्बल? शायद अब जो नए लोग हैं उनकी तो समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्यों रहे। ये आपने अगर सेमटम्स ये लाइन अपनी लाइफ में सेट कर लिया और इसको अगर बोलते रहे लाइफ टाइम तो आपकी फिटनेस उस फिटनेस को अचीव कर पाएंगे जिस फिटनेस को लेकर के आज सफर कर रहे हैं, उस फिटनेस को आप लाइफ टाइम अचीव कर पाएंगे। शरीर का ख्याल रखते हैं इसलिए आप हर्बल लाइफ को खाने का ख्याल रखते, राइट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 7 बजे बढ़िया से क्लैपिंग जेमिनी के लिए, वर्कआउट पर्सन के लिए, फैंटास्टिक। शाम को मिलेंगे 7 बजे।